तो जरा दस्त लगे तो बाहर जाए मन काम को पतो लगे तो भाभी का चल लेना। हाँ हाँ आओ तुम बैठो नहीं देखो नहीं आप अभी अवताज होएगा हूँ। हाँ हाँ आई जाओ बैठो यहाँ बैठो। क्या होगा तो भैया भाभी को रात भर से दस्त लगेगा था। हाँ। और गोली दवा ना भी दी पर वो कोई फायदा नहीं हुआ है। तब वो खंडवा ले जाने की तैयारी में छू खंडवा ले जाओ का ही मालूम होगा दस्त बंद भी हो कि नहीं होता है। डॉक्टर यहाँ गांव में बताया था गांव का डॉक्टर आसाद छे वो उनका वहां ले जाना पड़ेगा खंडवा। अच्छा। खंडवा बताऊंगा भी मोटर वोटर आओगे जब ले जाऊंगा फिर। अब तुम भी आए थे जरा बैठो चाय वाय पीजो वो खावन दो चाय बनाओगा वो। भाई बुलाड़ी भाभी तो का वही ना रात भर की परेशान छे दस्त का मांग लेना नहीं तो अपना घर लैट्रिन बाथरूम का यही तो अपने यहाँ का यही का यही बैठी ले दूर जानो पड़ा। हाँ दूर जानो पड़ा तो रात भर परेशान बार बार दस्त बार बार दस्त। अच्छा। सब परेशान हुई गई तो इलाज इलाज नहीं करा रही हो कहीं बैठे उठे भी नहीं रहो आप तुम्हारी हालत ऐसी भी कहीं नहीं था हम जरा इलाज मिलाज कराने जरा अच्छी हो जाए। अब कहीं करो कहीं रहा आज यहाँ का डॉक्टर का इलाज करा रही ना वो कहीं की खंडवा ले जाऊंगा डॉक्टर का। अब काई करो तो खूब परेशान हुई गई रात भर। हमें इलाज कराड़ी ना तू खंडवा जाए कि घर कराड़ कि गांव में करा हम हमें घर जाऊंगा हमको गजवार हुई गई। भैया ने चाय बने तो पी लई अच्छी रही थी तो पी लई थी मारी तो तबियत मारा से तो बटा ही नहीं रही। अब काई करो अरे तू आराम कर हम जावा घर। हाँ खराब थी भाई मका तो रात का दस्त लगे छे रात के हो दस्त तो कम पर गंदूर बाहर जानू पड़ा था अपन का लेटरिंग का लिए। हाँ। नहीं अपना घर लेटरिंग है तो बाहर जाई जाई ने इतनी परेशान हुई गई कि आप तुम्हारा से उठे ही रहो नहीं बैठे ही रहो नहीं कहीं नहीं बनी रहो तुम खबर लेना है ती बटी जो लेटरिंग से ते लोटो भी वहाँ को वहाँ रख ली हो नहीं बटी गई बहुत परेशान हुई गई बाहर जाई जाई कहो तो फिर तू लेटरिंग करी ना हुआ फिर तू हाथ धोवाज कि नहीं और हाथ धो कर ले हाथ धो हाथ तो वहाँ मट्टी से धो ही लिया था साबुन से धोना चाहिए नहीं हाथ नहीं वो लोटो भी वहाँ अंदर धोई तो ही था हाथ और कई मट्टी देख तो देख तू एकाली बीमार पड़ी गई क्योंकि अपने हाथ में भी लाइन ठीक नहीं ये बहुत सा कीटाणु रह और वही हाथ से अपन आई ना खाना खाई लेवा कीटाणु नसी थारा पेट में से कीटाणु गया और तू बीमार पड़ी गई तो तुका हाथ धोने को सही तरीको बताओ हथेड़ी न म साबुन रगड़ उंगली नख बीचम बीच म रगड़ हाथ नख पछेड़ी रगड़ नख नख अच्छा सी रगड़ नख नख हथेड़ी का बीच म रगड़ हथेड़ी का सबई हिस्सा नख रगड़ी न धो अपना हाथ नख कड़ाई नख धोवो तूने अभी तक शौचालय नहीं बनाया ना कई कई का परेशान से तुम्हारा भैया का जरा भी बनाऊ ना कर राजी नहीं तो भले मरी जाओ पर उनका कहीं समझ नहीं पड़ती कि ला बनाई दे वो तो कद की बाहर जाओ अभी अपना यहाँ इतनी जगह छे खलो छे ये छे वो छे जाइए यहाँ कौन पैसा खर्च करेगा लेटरिन बाथरूम बनाओगा ते नहीं समझता ते बुलाओ हाँ कह तो उनका समझे दूंगा अच्छी तरह अब तुम कभी समझाओ उनकी समझ में ही जाए तो अपन का परेशानी दूर हुई जाए नहीं तो अपन तो अब जाई रात दिन बाहर क्योंकि देख पहली बात तो ये छे कि अपन बाहर सोच जावा कि नहीं। हाँ। तो अपन रोड पर बैठी जावा। हाँ। तो कहीं का ट्रैक्टर ट्राली में दुर्घटना हुई जाए। हाँ। या बाहर जावा तो रात में कीड़ू काटा को डर लगे। हाँ। सांप बिच्छू को तो अपना का दुर्घटना हुई जाए तो का लिए शौचालय अपना घर बनाई ले तो कोई परेशानी नहीं होना की नहीं बहन कहाँ सुनना का राजी छे अब अरे थार घर के तो चक चक आ चक छे तू बाहर जा ते तू अच्छो लग हां अब काई करू हां तो सब साफ सफाई रखूज बहन पर अब बनाई दे लेटरिन तो अब अच्छो रहे अब नहीं बनौता त अपन काई करू क्या मैं कहां जाएल छे भाई जी आओ काय हाल चाल सब बढ़िया छे हम तुम्हारो रस्तो देख ही रहा था। अच्छा अच्छा इनका अगली बार में शौचालय कही गई थी हां तुमने बनाए नहीं कि देखो तो कैसे क्या हालत खराब हुई गई शौचालय के अपने एक एकड़ को तोले खड़ो पड़े
माग जो गठिया होगा नहीं तो बोले खेत से खाली अब वहाँ शौचालय कहीं से गाँव न मतलब शौचालय कहाँ से बने से सब नहीं तो सोचे कि गाँव हो कि सिटी हो कहे पर शौचालय घर घर हो न अगर शौचालय घर में बनल रही तो तू बीमार नहीं पड़ती बीमार पड़ती अपन को रुपया नहीं लगता उनकी हालत खराब नहीं होती सही बात है। फिर अब तुम बने लेगा तो फिर दूसरा भी कहेगा कि हाँ दाऊ भाई बने लेते अपन भी बने लेगा कहे तो अपना गाँव में सुधार हो जाएगा अपना में तो सुधार हुई हो पर गाँव में भी सुधार हो जाएगा। चलो ठीक है शौचालय में बहुत फायदा है अपन कहे हाँ तो आप बने लीजिए आप हाँ मैं बना लूंगा खुदा लूंगा मक्खी बैठेगा फिर अपना खाना बैठेगा सही बात है सही बात है। अब तो समझ में आई बनी मन तो खाना आई कहीं बताया तो कब कब हाथ धोना चाहिए तो तुमको बताओ नहीं तुमने बताया मगर कि खाना बनाना से पहले हाथ धोना चाहिए खाना परोसना से पहले हाथ धोना चाहिए नहीं खाना खाना से पहले हाथ धोना चाहिए ना अपना बच्चा ना कभी ये समझ देना और सोच जाना का मतलब अपना लेटरिन बाथरूम से आया उसका बाद अपना हाथ धोना चाहिए अच्छा साबुन से बहुत बढ़िया तो तुमने इतनी अच्छी जानकारी दी हमको बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया आपको। अपनाने वाला बिंदु खुला में शौच नहीं करना चाहिए खुला में शौच करने से डायरिया और पीलिया की बीमारी होने को खतरो रहज भोजन बनाना का पहला भोजन परोसना का पहला रोटी खाना का पहला और शौच का बाद साबुन से हाथ न का धोनू छोटा बालक न कोमल शौचालय में फेंका नहीं तो घर से दूर गड्ढा में रेत या माटी से दबाई न नष्ट कर हाथ धोना को सही तरीको हथेड़ी न में साबुन रगड़ा उंगड़ी न ख बीचम बीच में रगड़ा हाथ नख पछेड़ी रगड़ा नख नख अच्छा सी रगड़ा नख नख हथेड़े का बीचम बीच में रगड़ा हथेड़े का सभी हिस्सा नख रगड़ी न धोवा अपना हाथ की दुए कलाई नख खूब अच्छी तरह से धोवा